यूपी के महाराजगंज में स्थानीय नगर अंतर्गत सिसवा रेलवे स्टेशन पर अवैध वेंडरों का जमावड़ा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। जानकारी के मुताबिक सिसवा रेलवे स्टेशन पर शाम 5 बजे सुपर फास्ट सप्त क्रांति ट्रेन, जो बिहार से चलकर आनंद विहार को जाती है, गाड़ी सिसवा रेलवे स्टेशन पर रुकती है, जहां अवैध वेंडर का जमावड़ा पानी व लिट्टी लेकर दौड़ रहा। जानकारी के मुताबिक यह अवैध वेंडर कप्तानगंज के परिहवा बिहार के बीच चलते हैं और सामान की बिक्री करते हैं। तो इस संदर्भ में सिसवा स्टेशन अधीक्षक राजेश कुमार से बात की गई, तो उन्होंने कहा ये रेलवे पुलिस फोर्स कप्तानगंज के अंडर में आता है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। अब सवाल उठता है, ये सब काम आखिर किसके शह पर चल रहा? आखिर रेलवे बोर्ड के प्रशासन इस पर चुप्पी क्यों साधे है? जब आरपीएफ इंस्पेक्टर समय सिंह से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की गई, तो संपर्क नहीं हो रहा, यहाँ तक कि फोन तक रिसीव नहीं हो रहा। फिलहाल चर्चा का विषय है सारा ये गोलमाल। अवैध तरीके से कप्तानगंज रेलवे स्टेशन एक कैंटीन के मालिक के माध्यम से चल रहा, फिलहाल ये किसके शय पर चल रहा इसकी पुष्टि दैनिक भास्कर तो नहीं करता, लेकिन इस तरीके से अवैध काम करके भारत सरकार को चूना लगाना गलत है। अब देखना होगा कि रेलवे प्रशासन इस पर जगता है या चुप्पी साधा बैठा रहता है।